प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड ए न्यू वीडियो। विधानसभा स्तर के चौथे दिन प्रश्नकाल तो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक बुधवार को हुई नारेबाजी को लेकर आपस में ही उलझ गए। सत्ता पक्ष के विधायक ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा विधायकों के खिलाफ व्यक्तिगत नारे लगाकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में खूब गहमागहमी हुई। हालात यह बन गई कि विधानसभा अध्यक्ष को कुछ समय के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। उधर इस मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दोनों पक्षों से सदन के सौहार्दपूर्ण माहौल को चलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो चर्चाएं या विषय सदन में लगे हैं, सबको पूरा मौका दिया जा रहा है, सबकी बात रखी जा रही है, इसीलिए किसी भी तरह का हो हल्ला बिना बात के नहीं किया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण स्तर होता है, लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती और उन उम्मीदों पर खरा उतरना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चौथा दिन रहा और स्वार्थपूर्ण वातावरण में अब सत्र चल रहा है। विपक्ष के सभी साथी मौजूद रहे आज। हाँ, बीच में थोड़ी गर्मी जरूर हुई। पिछले कल एक परिस्थिति बीच में हुई थी जिसके कारण दोनों पक्ष में काफ़ी नारेबाजी हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि बाद में विपक्ष जो है वो वॉकआउट करके चला गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्तर में पक्ष व विपक्ष दोनों का अहम रोल होता है। धर्मशाला, गगनदल गोत्रा, PSS समाचार।